हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से एक न्यू और लेटेस्ट अपडेट आ गया है। तो दोस्तों, वो अपडेट क्या है हम चलिए इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि फर्स्ट चार एग्जामिनेशन टाइम टेबल, उसके नीचे जो चार है FY BA और FY BCOM के स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है। यस दोस्तों, आपने सही सुना कि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है FY BCOM या FY BA, उनका टाइम टेबल के साथ ही रिपीटर स्टूडेंट मतलब ATKT के स्टूडेंट का भी टाइम टेबल आ चुका है। यस दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों कि आप इस समय देख रहे हो कि पहला जो आपके सामने मैंने दिखाया फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सेम टू इन स्टूडेंट का एग्जाम जो चालू हो रहा है वो 27 जनवरी से चालू हो रहा है। टाइमिंग आपका सभी एग्जाम का सेम रहेगा, मॉर्निंग 9 से लेके 6 बजे के बीच। इतना लंबा टाइमिंग नहीं है, MCQs बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो 1 आवर कोई भी आपको अच्छा लगे वो आर आप चुन लीजिए। मतलब मेरे को अगर 10 से 11 का एग्जाम देना तो मैं 10 से 11 के एग्जाम में बैठूंगा। कुछ लोगों को है कि भाई मेरे को 1 से 2 के बीच में बैठना, तो 1 से 2, 1 से 2 बजे के बीच में आप एग्जाम दे सकते हो। पहला एग्जाम 27 को दोस्तों आप लोगों का है बिजनेस कम्युनिकेशन। देन दूसरा एग्जाम आपका दोस्तों 28 को है बिजनेस इकोनॉमिक, 29 को है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स, एंड देन उसके बाद है दोस्तों 31 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है कॉमर्स 2 का, क्योंकि हम सेमिस्टर 2 पे जा रहे हैं। तो सेमिस्टर 2 के आपको सब सब्जेक्ट के MCQs मतलब आपको स्टडी करने हैं, हर एक चीज़ है। MCQs स्टडी करने के लिए आपको आपके पास मेरा वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट पे भी जाके काफ़ी ऐसे MCQs देख सकते हो जो मेरे वेबसाइट पे बहुत इजीली आप लोगों को अवेलेबल है। इस एजुकेशन पे जाके, बीकॉम पे जाके, FY BCOM के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के MCQs होंगे, इधर देखिए नंबर दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो और ही उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी MCQs आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, हम इस फिर से अपने टॉपिक पे जाते हैं। दोस्तों, 1 तारीख को है इन्वायरमेंटल स्टडी, 2 फेब को है आपका मैथमेटिक्स, 3 फेब को आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो 4 तारीख को है आपका फाउंडेशन कोर्स का जो प्रैक्टिकल अपना ये आपका MCQs बेस्ड होता है 25 मार्क्स का, उसका भी होने वाला है। ठीक है, इंटर टेस्ट जो होता है आप लोगों का, मतलब आपका लास्ट एग्जाम होगा अपना 4 फेब। 4 फेब पे आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट की, ठीक है, FY BCOM फ्रेशर स्टूडेंट की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेशर स्टूडेंट का दोस्तों जो एग्जाम है वो 25 जनवरी से चालू हो रहा है। जो अपने अपना ये है क्या बोलते हैं रिपीटर स्टूडेंट है, इनका 25 से हो रहा है, फ्रेशर स्टूडेंट का 27 से हो रहा है। तो दोस्तों, ये रिपीटर स्टूडेंट का टाइम टेबल है। इनका 25 को है बिजनेस कम्युनिकेशन, 27 को है बिजनेस इकोनॉमी, 28 को है फाउंडेशन को 75 मार्क्स का जो पेपर है, और बाद में इंटर टेस्ट 20 का होगा। 29 को कॉमर्स 1 है, ठीक है, 31 जनवरी को इन्वायरमेंटल स्टडी है 1 का। अच्छा, ये 1 इसके लिए है क्योंकि जो रिपीटर स्टूडेंट है उनका सेम 1 का एग्जाम है, ठीक है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका सेम 2 का एग्जाम है, इसके लिए वहां 2 है और इधर 1 है। देन 29 को कॉमर्स 1 का पेपर है, 31 जनवरी को आपको इन्वायरमेंटल स्टडी है, 1 फेब को आपका मैथमेटिक्स है, 2 फेब को आपका अकाउंटेंसी है, और 3 फेब को आपका लास्ट पेपर होने वाला है जो है फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, ये थी FY BCOM रिपीटर स्टूडेंट का टाइम टेबल, मैंने फ्रेशर का भी आपको बता दिया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करना कि सर हमें इस PDF का लिंक चाहिए, टाइम टेबल का लिंक चाहिए। आपको मैं ये जितने भी लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या तो ये पूरे PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल, 2 चैनल है, सूरज पटेल एजुकेशन और मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल, ये दोनों पे मैं शेयर कर दूंगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के। अब बात करते हैं FY BA फ्रेशर स्टूडेंट की। तो दोस्तों, फ्रेशर स्टूडेंट का मैंने बता दिया टाइम टेबल 27 से चालू हो रहा है, मतलब एग्जाम का जो डेट है 27 जैन है। तो पहला पेपर इनका कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरा आपका लैंग्वेज है मराठी, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, जो भी है।
29 को दोस्तों। अच्छा, आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट का जो कोड है प्लीज इसे कोर्स का जो आपका कोड है उस चीज को ध्यान रखिए। देन बाद में आपका 29 को है फाउंडेशन कोर्स है। देन उसके बाद मंडे 31 जनवरी को इकोनॉमिक पेपर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजिकल, जो भी आपका है। तो इससे आप इधर देख लीजिए आपका पेपर कोड है आपके, क्योंकि काफी सब्जेक्ट होते हैं जिन्होंने जो लिया सेम पेपर आया है ऊपर वाला जितना है, ज्योग्राफी, हिस्टोरिक, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल। देन बाद में सेकेंड फेब को भी आप लोगों का एजुकेशन पेपर वन है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, मराठी है, फिलोसॉफी है, रूरल डेवलपमेंट है, उर्दू है, लिटरेचर है, ये सब आपका 3 फेब लास्ट पेपर होने वाला है जो फाउंडेशन कोर्स का इंटरनल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारे FYBA के स्टूडेंट है, ठीक है, रिपीटर स्टूडेंट है, वो फ्रेशर थे। ये रिपीटर स्टूडेंट का सेम वन का एग्जाम है और फ्रेशर का सेम टू का है दोस्तों। इनका भी एग्जाम 25 जैन से चालू हो रहा है दोस्तों। रिपीटर वालों का सभी का एग्जाम 25 से। पहला पेपर कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरा जो आपका 27 को होने वाला, एक दिन का गैप है, मराठी, उर्दू, हिंदी एंड फ्रेंच आपका है। 28 को दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स है जो 75 मार्क्स का होगा। ये सभी के लिए सिमिलर है, चाहे वो FY BCom हो या FY BA हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, उनको 25 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट देना है। देन उसके बाद 29 जनवरी को दोस्तों आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर है। दोस्तों अभी भी बोलूंगा कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसका कोर्स का कोड जो दिया हुआ है आपके हॉल टिकट पे दिया रहेगा, या आपने जब एडमिशन करवाया है उस समय दिया रहेगा, वो कोड देख लेना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, क्योंकि काफी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं। 31 के दिन भी आपका एग्जाम है। अच्छा, टाइमिंग सभी का सेम है, 9 से 6। 31 को दोस्तों ज्योग्राफिकल पेपर वन, हिस्ट्री का पेपर वन, पॉलिटिकल साइंस पेपर वन, फिलोसॉफी पेपर वन, साइकोलॉजिकल पेपर वन, ठीक है, सोशोलॉजिकल पेपर वन। देन ट्यूसडे को दोस्तों आपका एजुकेशन पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, मराठी लिटरेचर है, देन फिलोसॉफी है, रूरल डेवलपमेंट है, उर्दू लिटरेचर है। देन आपका लास्ट पेपर सेकेंड फेब को फिनिश हो जाएगा दोस्तों, जो है फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों फाउंडेशन कोर्स का आपका वही मैंने जो आपको बताया कि इंटर टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, उसका पेपर है। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट, जितने भी FY BCom और BA के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर और रिपीटर, आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम चालू होने वाला है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आप लोगों को MCQs कहाँ से तैयार करना है, मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को दिया गया है। आप साथ ही साथ अगर दूसरा भी कोई वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो तो दूसरा भी वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मुंबई यूनिवर्सिटी ideal.com, इसे भी यूज कर सकते हो दोस्तों। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी ideal.com, सेम इधर एजुकेशन पे जाइए, बीकॉम पे जाइए, FY BCom पे आप क्लिक कीजिए और इसे क्लोज कीजिए। आपको यहाँ पे भी दोस्तों पूरा मुंबई अपना FY BCom के रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो सूरज पटेल का है, सॉरी सूरज पटेल ही चालू हो गया, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी चालू कर रहा था, तो फिर से एक बार ओपन कर दे www.mumbaiuniversityideal.com। दोस्तों फर्स्ट टाइम गलती हो गई, चालू नहीं हुआ, ये देखिए ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो आप इधर भी सेम चीज जो मैंने उधर बताया है FY BCom पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इधर भी आपको काफ़ी MCQs मिल जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप जाके प्रेफर कर सकते हो। और आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।